मिथुन राशि वालों का आज का दिन यानी कि 13 फरवरी 2021 का दिन कैसा बीतेगा? आने वाले समय में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा? लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 13 फरवरी 2021 के पंचांग के बारे में। आज तिथि है द्वितीया, नक्षत्र है सतभिषा, दिन है शनिवार। आज के दिन सूर्य उदय का समय है 7:01 में, सूर्य अस्त का समय है 6:09 में। आज का दिन काल है 11 घंटे 7 मिनट 52 सेकेंड का। महीना है माघ। आज के दिन शुभ समय शुरू होता है 12:10 PM से 12:50 PM तक। अशुभ काल शुरू होता है 7:01 AM से 8:30 AM तक। राहु काल शुरू होता है 9:48 AM से 11:12 AM तक। दिशाशूल है पूरब दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। मित्रों, इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग एवं भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने वाला समय बेहतर एवं शानदार हो सके। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके धन संपत्ति, आपके आर्थिक जीवन के बारे में। मित्रों, आने वाले समय में आपका आर्थिक जीवन बहुत ज्यादा बेहतर एवं शानदार होगा। आने वाले समय में यदि आप कहीं भी धन संपत्ति का निवेश करना चाहते हैं, तो पैसों के निवेश के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज्यादा बेहतर एवं शानदार होगा। मित्रों, आने वाले समय में अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका आर्थिक जीवन बहुत ज्यादा बेहतर एवं शानदार होगा। मित्रों, आने वाले समय में यदि आपके सेहत की बात करें, आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो सेहत के दृष्टिकोण से आपका आने वाला समय सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे है। मित्रों, आने वाले समय में तली भुनी चीजों को खाने से आपको दूर रहना चाहिए। मित्रों, आने वाले समय में अपने सेहत को बेहतर एवं शानदार बनाने के लिए आपको ध्यान, योगा, इन सबों का सहारा लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आने वाले समय में आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। मित्रों, आप में से जो भी जातक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आने वाले समय में अपने सामाजिक जीवन के मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि आप अपने सामाजिक जीवन में कोई भी लापरवाही करते हैं, तो आपको परेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा। तो आने वाले समय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग एवं भाग्यशाली अंक क्या है। मित्रों, आने वाले समय में आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और मैरून। आपके लिए भाग्यशाली अंक है 5 यानी कि 5। मित्रों, आने वाले समय में अपने समय को बेहतर एवं शानदार बनाने के लिए आपको केसर से बना हुआ हलवा खुद भी खाना चाहिए एवं गरीब लोगों को भी खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा बेहतर एवं शानदार होगा।
तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे जय शनि देव कमेंट कर दें। इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें एवं अपने आने वाले समय को बेहतर एवं शानदार बना सकें। धन्यवाद।